हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे इम्प्यूट करते हैं वो सीख रहे हैं, और हमने अभी तक यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन देखा। आज के वीडियो में विल डिस्कस द फर्स्ट मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन टेक्निक कॉल्ड केएनएन इम्प्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इफ यू डोंट नो कि यूनिवेरिएट टेक्निक्स और मल्टीवेरिएट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है, आई विल क्विकली समराइज। सो लेट्स से अगर आपके पास एक डेटा है जिसमें आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, कॉलम 1, 2, 3 एंड 4, और लेट्स से देर आर डिफरेंट रोज लाइक दिस, और फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो में वैल्यू मिसिंग है, तो यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन में आप क्या करते हो कि इस वैल्यू को जब आप फिल करने का ट्राई करते हो, उसके लिए आप इसी सिंगल कॉलम का हेल्प लेते हो, राइट? इसी को बोलते हैं यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। जैसे कि मीन निकाल लेना, तो बाकी जितनी भी बची वैल्यूज हैं उनका मीन निकाल के रिप्लेस कर दिया, या रैंडम वैल्यू, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक रैंडम नंबर से मिसिंग वैल्यू को फिल कर दिया, दैट इज यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। मल्टीवेरिएट के केस में आप क्या करोगे, आप इन बाकी रोज को यूज करोगे और बाकी कॉलम्स के डेटा को भी यूज करोगे इन ऑर्डर टू फिल दिस मिसिंग वैल्यू, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब देर आर वेरियस टेक्निक्स, हम दो डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में। फर्स्ट विल डिस्कस केएनएन इम्प्यूटर, जो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं, और सेकेंड जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट वुड बी आइटरेटिव इम्प्यूटर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स नाउ डाइवर्ट आर अटेंशन टू केएनएन इम्प्यूटर। ओके, सो या जस्ट वन सेकेंड, आई विल जस्ट मेक सम सेटअप। लाइक इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। ये हमारे पास एक डेटा है और ये कुछ टेक्स्ट है, इसको भी मैं थोड़ा नीचे ले आ रहा हूँ। या सो गाइज, केएनएन इम्प्यूटर वर्क्स ऑन दिस एल्गोरिदम कॉल्ड केएनएन। ठीक है, केएनएन आप आगे पढ़ोगे या मोस्ट लाइकली आपने पढ़ लिया होगा, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है केएनएन के ऊपर। सो केएनएन कैसे काम करता है, कि केएनएन का बेसिक फंडा इज कि आप अपने नेबर्स की तरह होते हो, दैट इज द सिंपल फंडा। ठीक है, और आपका सारा बिहेवियर, आपका कैरेक्टरिस्टिक वुड बी सिमिलर टू योर नेबर्स। सो अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, तो आप इस वैल्यू को उस रो के वैल्यू से फिल करोगे जो रो सबसे ज्यादा सिमिलर है आपके रो से, दैट इज द होल आइडिया। अब ये सिमिलैरिटी कैसे निकलता है, सिमिलैरिटी निकलता है यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंसेस। एट द एंड ये सारे के सारे रोज कुड बी, मतलब दे कैन बी ट्रीटेड एज अ कोऑर्डिनेट। मतलब सोच के देखो, फर्स्ट वाला इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट इन अ फोर डायमेंशनल सिस्टम, राइट? दिस इज अ कोऑर्डिनेट। अब इसमें ये वाला वैल्यू मिसिंग है, बट मान लो अगर मिसिंग नहीं होता तो चार नंबर्स होते, चार नंबर्स एक फोर डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट हो सकते थे। अब ऑब्वियसली मैं 4D सिस्टम नहीं बना सकता, लेट्स से हम 3D सिस्टम बना लेते हैं। 3D में यहाँ पे होता, सिमिलरली सेकेंड वाला यहाँ पे होता, थर्ड वाला यहाँ पे होता, फोर्थ वाला यहाँ पे होता। अब आपको क्या करना है कि आपको किसी भी गिवन पॉइंट का, जैसे आप ये वैल्यू इम्प्यूटेशन करने वाले हो, आप इसको फिल करना चाहते हो, तो आप रो नंबर 2 का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे बाकी सारे रोज से, और जो भी रो सबसे पास में होगा उसके फीचर 1 के वैल्यू से आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे। दैट इज हाउ यू डू इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब के नियरेस्ट नेबर में जो के होता है, ये होता है नंबर ऑफ नेबर्स, आप कितने नेबर्स को लेके चलना चाहते हो। जैसे कि अगर आप सिर्फ एक नेबर को लेके चलना चाहते हो, तो जो आपका क्लोजेस्ट नेबर है उसका फीचर 1 का वैल्यू से आप रिप्लेस करोगे अपना मिसिंग वैल्यू। अगर आप दो वैल्यू लेके चल रहे हो, के का वैल्यू अगर 2 है, केएनएन में के का वैल्यू अगर 2 है, तो आप दो नियरेस्ट नेबर से पूछोगे कि वैल्यू क्या होगा। जैसे कि मान लो एक नियरेस्ट नेबर ये है और एक नियरेस्ट नेबर ये है, तो अब ये जो मिसिंग वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 33 + 23 / 2। अगर आप तीन नेबर्स लेके चलोगे और मान लो ये तीसरा नेबर है, तो अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, 33 + 23
प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, बेसिकली जितने नेबर्स हैं उनका उस पर्टिकुलर फीचर का वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नेबर्स दैट यू हैव, दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, तो यहां पे दो स्टेप में आपको काम करना है। फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू फाइंड के नियरेस्ट नेबर्स, और ये कैसे निकालोगे आप? ये आप निकालते हो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके, और स्टेप टू में फाइंड द वैल्यू, बेसिकली हर नेबर से उसका वैल्यू लेकर के उसका मीन निकाल देना। दैट इज हाउ यू डू इट, टू स्टेप प्रोसेस है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि किन्हीं भी दो रोज के बीच में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? अब सिंपल आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर आपके पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो यहाँ पे एक z का टर्म आ जाएगा, अगर 4D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो एक और टर्म आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली चीज पता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ रोज में वैल्यूज मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ पे देखो वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे तो दो वैल्यूज मिसिंग है और इस वाले में भी दो वैल्यू मिसिंग है। सो बेसिकली सिर्फ एक रो है जिसमें तीनों वैल्यूज बची हुई हैं, ठीक है, तो वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक नया यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये नॉर्मल यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं है, ये मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने वाला यूक्लिडियन डिस्टेंस है। और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन शेयर करूंगा, ये साइकिट लर्न का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करने का, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये इसका फॉर्मूला है, थोड़ा सा रिवाइज्ड फॉर्मूला है, बिल्कुल यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये एग्जैक्टली सेम चीज मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। सो यू कैन सी अगर आपको दो रोज के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम प्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो पार्ट है ना, 3 - 1 का स्क्वायर + 6 - 5 का स्क्वायर, ये तो नॉर्मल है जैसे आप निकालते हो, ठीक है, बट आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बीच में ये पार्ट निकालोगे जहां पे दोनों वैल्यूज अवेलेबल हो। मतलब मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आप सी आपको क्या करना है, आपको मान लो कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब ऑब्वियसली आपको आप इस वैल्यू को फिल करना चाहते हो, इस वैल्यू को आप फिल करना चाहते हो, सेकेंड रो का फर्स्ट वैल्यू को फिल करना चाहते हो, तो इसके लिए आप ये येलो वाला रीजन लोगे, रो 1 का और रो 2 का। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट होगा 45 - दिस मिसिंग वैल्यू, तो आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू है ही नहीं, तो ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 68 - 67 का होल स्क्वायर, 67 - 68 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा 21 - 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं बस ये बोल रहा हूं कि जहां पे भी आपको वैल्यू नहीं मिले किसी भी एक रो में, आप उसको इग्नोर कर दो, जहां पे दोनों वैल्यूज मिले बस वही वैल्यूज को पकड़ो, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसके बाद बाहर यहां पर एक वेट लगता है, एक वेट का बात किया जा रहा है, और ये वेट क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है वेयर वेट इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ प्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स। सो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, 2, 3, तो वेट कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाय कितने प्रेजेंट है? एक पेयर ये प्रेजेंट है, एक पेयर ये प्रेजेंट है, ये वाला पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 3/2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ क्विकली, यहाँ पे काफी कचड़ा मच गया है, सो आई जस्ट रब इट। या अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर आएगा इन दोनों के बीच का स्क्वायर, 51 - 45 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये भी मिसिंग नहीं है, तो 68 - 71 का स्क्वायर प्लस
माइनस 18 का स्क्वायर, राइट। अब आएगा वेट, यहां पे आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी चीज को। वेट क्या होगा? वेट होगा कितने टोटल प्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, थ्री, और टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, थ्री, और कितने प्रेजेंट है, थ्री। तो यहाँ पे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब जब नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको एक और दिखाता हूं, इस बार मैं आपको दिखाता हूं रो नंबर 1 और रो नंबर 4 में क्या होगा, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, आई विल क्विकली रब इट ऑफ। या मुझे चाहिए है रो नंबर 2 एंड रो नंबर 4, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे रूट ओवर ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाय, ये है ही नहीं, ये चीज नहीं है, आप इसको कंसिडर नहीं करोगे, ये वाला कंसिडर करोगे, 81 माइनस 68 का स्क्वायर, और ये चीज भी नहीं है, तो आप इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपका वेट क्या होगा? वेट विल बी टोटल कितना है, थ्री, प्रेजेंट कितना है, वन। तो इस केस में आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस। बस ये वेट वाला चक्कर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने सारे पॉइंट्स का मतलब आई एम सॉरी, पॉइंट नंबर 2 का मैंने सारे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। और मान लो कि हमारा के एन एन में के का वैल्यू 2 है, तो हम दो नियरेस्ट नेबर्स को कंसिडर करेंगे ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यू वुड सी, मैं आपको क्विकली दिखाता हूं कि ये देखो, ये है पॉइंट 1 से डिस्टेंस, ये जो है ये है पॉइंट 1 से डिस्टेंस। व्हाट आई विल डू इज बहुत ज्यादा, या अभी ठीक है, और इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं सो दैट स्क्रोल करने में क्लियरली हम देख पाए। और या लेट्स सी दिस, सो ये जो है ये है पॉइंट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो यू कैन सी तीन में से सिर्फ दो ही प्रेजेंट है, तो वेट हो जाएगा आपका 3/2, और अंदर आया है 68 माइनस 67, 12 माइनस 22, ये दोनों और ये दोनों, और ये सारा कैलकुलेट करने के बाद मेरे को 11.29 मिला। मतलब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 के बीच का डिस्टेंस इज 11.29, ठीक है। अब मैंने निकाला 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वेट हो गया 3/3, और बाकी हमने नॉर्मली कैलकुलेट किया तो ये 9 आया, ठीक है। फिर हमने निकाला पॉइंट नंबर 4 के साथ, मतलब इस पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अवेलेबल है, दो मिसिंग है, तो वेट हो गया 3/1, और 81 माइनस 68 कैलकुलेट करके आया 5.19। और फिर हमने इस लास्ट वाले के साथ निकाला, तो इसमें भी एक मिसिंग है, तो वेट हो गया 3/2, और बाकी यहाँ पे कैलकुलेटेड है 60 माइनस 45 एंड 79 माइनस 68, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 14.79। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लोजेस्ट दो नेबर्स कौन से हैं रो नंबर 2 के लिए, तो आंसर इज दिस वन, सबसे क्लोजेस्ट तो ये बंदा है रो नंबर 4, दिस इज द क्लोजेस्ट नेबर 1, और डिस्टेंस ये वाला जो है दिस इज द क्लोजेस्ट नेबर 2। अब मुझे ये वैल्यू फिल करना है, तो कैसे फिल होगा, ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज 63 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 31.5, ठीक है। अगर मैं तीन नेबर्स कंसिडर करता तो ये तीसरा नेबर होता, तो फिर मैं 33 और ऐड कर देता, 96 हो जाता डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा स्टेप समझ में आया, ठीक है। सो दैट्स इट। अब अगर मैं आपके साथ क्विकली डिस्कस करूं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो फर्स्ट, दिस इज मोर एक्यूरेट, मतलब ये जो टेक्निक है दिस इज मोर एक्यूरेट, मतलब जनरली आपको बेटर रिजल्ट्स दे देगा, ठीक है। सेकंड, द प्रॉब्लम इज मोर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब सोच रहे हो ना आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एक गिवन पॉइंट का हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है, उसको सॉर्ट करना पड़ रहा है, और फिर मीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ रही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, स्पेशली ऑन बड़ा डेटा सेट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
और थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप सर्वर पे इसको डिप्लॉय करते हो, प्रोडक्शन में जब आप इसको डिप्लॉय करोगे, तो आपको अपना पूरा ट्रेनिंग सेट सर्वर पे डालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, एक नए इनकमिंग पॉइंट का, लेट्स से यूजर ने कोई पॉइंट डाला और उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक्स ट्रेन का पूरा डेटा यूज करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि स्पीड स्लो कर देता है और मेमोरी आपका बढ़ जाता है सर्वर पे, क्योंकि आप पूरा ट्रेनिंग सेट स्टोर करके रखते हो। तो ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। सो इफ यू आर वर्किंग विद स्मॉलर डेटा सेट्स या मीडियम साइज डेटा सेट, दिस इज अ गुड टेक्निक टू यूज। मैंने अभी तक जितनी बार भी यूज किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसने मीन और मीडियम से बेटर रिजल्ट्स मुझे दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, जल्दी से कोड दिखाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा और आइडिया लग पाए। ठीक है, तो ये कोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सो यहाँ पे सारे इम्पोर्ट्स मैंने ले रखे हैं, हम फिर से टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज अब हम लोगों को काफी आइडिया हो गया टाइटैनिक वाले डेटा सेट का। और मैंने चार कॉलम्स लिए हैं, एज, पी क्लास, फेयर, सर्वाइव्ड। ठीक है, ये रहा मेरा डेटा सेट, ऑब्वियसली ये सबसेट है मेरे डेटा का, और मिसिंग वैल्यूज आपको ऑलरेडी याद हो गई होंगी कि सिर्फ एज में मिसिंग वैल्यू है, बाकी किसी में भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैंने एक्स और वाई अपना अलग कर लिया और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। आई होप आपको यहां तक कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आपने एक्स ट्रेन डॉट हेड निकाला, तो ये रहा आपके इनपुट कॉलम्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरी वैल्यूज को फिल करना है। ठीक है, तो केएनएन इम्प्यूटर का ये रहा गाइज आपका डॉक्यूमेंटेशन। इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, यहाँ पे बस आपको बताना होता है कि आपकी मिसिंग वैल्यूज क्या है। बाय डिफॉल्ट जो एनएएन होता है वही आपकी डीप मिसिंग वैल्यूज है, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एन नेबर्स आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट होता है वेट्स, यूनिफॉर्म या फिर डिस्टेंस, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद होता है मेट्रिक, मेट्रिक इज नैन यूक्लिडियन बाय डिफॉल्ट, और वो यही है नैन यूक्लिडियन, तो इसमें भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लास्ट इज एड इंडिकेटर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं, जो जो भी एक कॉलम है जिसमें कि मिसिंग वैल्यूज है, उसके लिए आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम बना देते हो ट्रू फॉल्स का। अगर वैल्यू मिसिंग है उस पर्टिकुलर रो में तो इट वुड बी ट्रू, अदरवाइज इट वुड बी फॉल्स। तो ये एड इंडिकेटर कभी कभी अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, केएनएन इम्प्यूटर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट ले रखा है ऊपर, सो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया केएनएन बोल के, और केएनएन डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करके एक्स ट्रेन को पास किया, और जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसको मैंने एक नए वेरिएबल में डाल दिया, मैंने सेम वेरिएबल में चेंजेस नहीं किए, सेम विथ एक्स टेस्ट। ठीक है, और मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सो यू कैन सी यहाँ पे लास्ट में जो कुछ मिसिंग वैल्यूज थी वो इम्प्यूट हो गई हैं आपका के एन एन के थ्रू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया, डेटा को फिट किया नए वाले डेटा पे और प्रिडिक्शन किया, तो द एक्यूरेसी दैट आई एम गेटिंग इज समवेयर क्लोज टू 70%। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। लाइक वन थिंग कुड बी नेबर्स कितने रखोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यू कैन सी एन अंडरस्कोर नेबर्स बोल के एक पैरामीटर है, यहाँ पे अगर 5 था मैं 4 लेके ट्राई करता हूँ। कायदे से आपको लूप चला लेना चाहिए था बट मैंने नहीं चलाया, सो 4 में भी कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहे, 3 में ट्राई कर रहे हैं, 3 में भी नहीं आ रहा, 2 में भी बहुत माइन्यूट चेंजेस ही हैं, 1 में घट गया, 10 में ट्राई करते हैं, 10 में भी कुछ खास इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो आई गेस 5 यहाँ पे आइडियल वैल्यू है, इनफैक्ट 3 ही कर दो, थोड़े कम कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, बट जो भी है ये वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो ना तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो वो है वेट्स, वेट्स, यूनिफॉर्म या डिस्टेंस। अब डिफॉल्ट यूनिफॉर्म रहता है, आप चाहो तो डिस्टेंस में चेंज करके देख सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन यूज क्या नाम था मैं भूल गया, वेट्स। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट्स डिस्टेंस, एंड यू कैन सी डिस्टेंस करने पे आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ गया।
ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये डिस्टेंस क्या करता है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस जाना पड़ेगा इस पेज पे। अब देखो यूनिफॉर्म और डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लो आपके पास ये अलग अलग कॉलम्स हैं, आप इस वैल्यू को फिल करना चाहते हो, ठीक है, और आपको पता चला आप केएनएन में के का वैल्यू 2 लेके चल रहे हो, तो आपको पता चला कि ये वाला रो और ये वाला रो आपके नियरेस्ट है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4। आप 3 के लिए नियरेस्ट नेबर्स निकाल रहे थे, तो नियरेस्ट नेबर आपका आया 1 एंड 4, ठीक है। अब 1 वाले का डिस्टेंस है मान लो 10 और 3 वाले का डिस्टेंस है मान लो 50, इतना डिस्टेंस निकला। जैसे हमारा यहाँ पे डिस्टेंस निकला था ना, ये सब जो डिस्टेंसेस निकले थे 5.19 एंड ऑल, मान लो कि 3 का 1 से डिस्टेंस था 10 और 3 से 4 का डिस्टेंस था 50, मतलब 1 ज्यादा क्लोज है, 4 थोड़ा ज्यादा दूर है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है 1 में दैट इज 70 और 4 में जो वैल्यू है दैट इज 50। तो जनरली आप कैसे कैलकुलेट करते थे, आप लिखते थे 70 + 50 / 2, ये हुआ यूनिफॉर्म वेट। बट अगर आप डिस्टेंस बेस्ड वेट निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/10 × 70 + 1/50 × 50 / 2। सो बेसिकली आपने क्या किया, हर पॉइंट का 1 बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया उसके वैल्यू को, ठीक है। सो ये आ जाएगा 7 + ये हो जाएगा 1/2, तो आंसर आएगा 4, तो ये वैल्यू होगा 4, ठीक है। वेर एज यहाँ पे वैल्यू कितना होता, यहाँ पे वैल्यू होता 120 बाय, पता नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया या कुछ, यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है, हमने वैल्यूज ऐसे ही जबरदस्ती कंप्यूट कर ली थी, बट जो भी है मतलब दैट इज हाउ यू कैलकुलेट आपका डिस्टेंस बेस्ड वेट्स, ठीक है। आप 1 बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो उस वैल्यू को, ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो ज्यादा क्लोजर है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है इन कंपैरिजन टू उसके जो ज्यादा दूर है। मतलब यहाँ पे देखो ना, 3 के ज्यादा क्लोज कौन सा था, 1। जब आप मीन निकालते हो तो आप सबको बराबर वेटेज देते हो, उसके वैल्यू को बराबर वेटेज देते हो, 70 को 70 वैल्यू दे रहे हो, 50 को 50 वैल्यू दे रहे हो, बट अब आप 70 का 1/10 ले रहे हो लेकिन 50 का 1/50 ले रहे हो क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो मेरे ज्यादा क्लोजर नेबर है वो ज्यादा सिमिलर है मेरे से, तो उसको ज्यादा वैल्यू दो, उसकी बात ज्यादा मानो, और जो मेरा थोड़ा दूर का नेबर है उसको थोड़ा कम वैल्यू दो। तो ये लॉजिक अप्लाई करने से कभी कभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जैसे इस केस में हमने जब डिस्टेंस अप्लाई किया तो यू आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये ट्राई करके देख लेना, मतलब ये अपने ऊपर है ट्राई, आपको मशीन लर्निंग में एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंट, ये आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। और जस्ट एक और चीज मैंने आपको इस नोटबुक में दिखाने के लिए किया है, दैट इज कि अगर मैंने मीन इम्प्यूटेशन किया होता सिंपल इम्प्यूटर क्लास से तो रिजल्ट कैसा आया होता। सो यहाँ पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और यू कैन सी 0.69 आ रहा है, तो क्लियरली केएनएन आउट परफॉर्म कर रहा है आपके मीन और मीडियन वाले इम्प्यूटेशन पे। अब आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस केएनएन इम्प्यूटर के लिए बेस्ट वैल्यूज खोजनी चाहिए, और सेकंड उसको कंपेयर करना चाहिए पिछला आपने जितना भी अलग अलग इम्प्यूटेशन टेक्निक पढ़ा उससे। मोस्ट लाइकली यू वुड सी कि केएनएन उन सबको आउट परफॉर्म कर देगा, बिकॉज दिस इज अ मच बेटर इम्प्यूटेशन टेक्निक इन कंपेरिजन टू अदर्स। बस दो डिसएडवांटेजेस हैं, पहला आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा क्योंकि आप खूब सारे कैलकुलेशंस कर रहे हो, और सेकंड आपको डिप्लॉयमेंट के टाइम प्रोडक्शन पे अपना पूरा ट्रेनिंग सेट डालना पड़ेगा, विच इज काइंड ऑफ मेमोरी हैवी टास्क, ठीक है। तो यही है, मतलब बहुत प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी चीज थी, और इतना ही आपको बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया, इफ सो थैंक्स, समझ में आ गया आपको, सो नाउ आई विल क्लोज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।